Assalamu alaikum, beautiful people. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो हम जा रहे हैं फिर से सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देखने के लिए. ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव. सी हैप्पी स्नोफॉल. बर्फ हो रही है. यहाँ से पानी जमा हो गया है क्योंकि ये ना वो बारिश वाली बर्फ थी पहले सुबह जब स्टार्ट हुई सुबह अर्ली मॉर्निंग. तो अब जो है अच्छी वाली बर्फ पड़ रही है. तो यहाँ पे ठंड लगने का खतरा है. तो हम देखेंगे बाकी का नज़ारा रूम से ही. So I'm coming towards the kitchen. बाहर से इतनी अच्छी बर्फ पड़ रही है, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो बाहर खेलेंगे. तो यहाँ पे मैंने किया है कांगड़ी का इंतजाम क्योंकि बर्फ हो रही है तो लाइट भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गर्मी का इंतजाम पहले से करके रखना पड़ गया. और यहाँ पे क्या डाली है मैंने, दाल थोड़ी गैस पे. तो इनको जो है आलू पकौड़े खाने का शौक हो गया है. बोला बर्फ पड़ रही है तो आलू पकौड़े भी बना लो घर में ही. को मैं पतली पतली स्लाइसेस में कट करूंगी. तो ये मैंने कर लिया पेस्ट तैयार, आलू और आटे का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डाला है. बस सिंपली बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए. तो अब हम जाएंगे फ्राई करने. तो जी यहाँ पे आलू पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और बाहर से बर्फ कुछ इस तरह जमा हो गई है. वाव. Enjoying our aloo pakoda aur bahar se barf. Abhi light nahi hai isliye main iska jo hai pura shoot nahi kar pa rahi hu. Aur last time maine iski recipe puri ek vlog mein dali thi, main uski link description mein dal dungi, aap wo ja ke dekh lijiyega. तो यहाँ से बर्फ पड़ रही है. बनाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े विद अदरक वाली चाय के साथ. मासूक अहमद सॉस निकाला. गुड. चलो अब हम चाय के साथ करेंगे गर्मा गर्म आलू के पकौड़े एंजॉय. स्वाद बेबी अभी सो रहा है. इब्राहिम कैसे बने थे आलू के पकोड़े? बहुत अच्छे मामा. आप क्या कहना चाहते हो? आप अरे जल्दी बोलो. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू. बाहर से बर्फ पड़ रही है, यहाँ से होने वाला था एक और नुकसान. हमारा बुलावर जो है नहीं, इसकी वायर जो है वो जलने वाली थी तो मुझे अचानक नजर पड़ गई. तो अब मैंने बोला है कि इब्राहिम के बाबा को इसे ठीक करें वरना कल दिन हमें परेशानी होती. और यहाँ पे एक और साहब आ गए इसे ठीक करने. ये देखें, आप ठीक कर रहे हो कि चबा रहे हो? सौजन. तो अब यहाँ पे ये मैकेनिक ये ठीक कर रहे हैं. बाबा और मैकेनिक का असिस्टेंट है ये. तो हो गया हमारा ब्लोवर भी ठीक. यहाँ पे उसको हुआ था कुछ.
तो यहाँ पे इब्राहिम और इब्राहिम के बाबा निकले हैं बाहर सुनो के साथ खेलने के लिए। तो मैं इनको मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ, कपड़े गीले हो जाएंगे और अभी उतनी बर्फ भी नहीं है बाहर। तो लेकिन उन्होंने ज़िद किया तो फिर ये गए बाहर, अभी खेल रहे थे। मैंने वहाँ ज़्यादा आगे जाने नहीं दिया तो अभी यहीं पास में ही खेल रहे थे, थोड़ा सा खेला तो फिर आए अंदर कपड़े गीले कर। तो ये आ गया बाहर से कपड़े वपड़े सारे, सॉक्स गीले करके शूज़ भी गीला कर दिया। तो अब भी पहले लड़ाई करा था, मुझे खेलना है बर्फ़ के साथ, तो अब देखो मन से पछतावा बो क्या द्राई उसी ने। पर इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।